नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उस रेसिपी को मेरे ख्याल से हर एक इंसान ने खाया है, लेकिन आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी शेज़वान चिली चिकन, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी होती है। मेरे ख्याल से इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसी तरीके से चिली चिकन को बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। 500 ग्राम चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। बहुत छोटे पीसेस मैंने यहाँ पर नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर चिली चिकन को थोड़े से बड़े पीसेस में किए हैं, और यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनती है ये। तो हमें इसका मात्रा रखना होगा 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के साथ 2 टेबल स्पून मैदा। फिर मैंने यहाँ पर अदरक जो है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शेज़वान चटनी ऐड किए हैं, और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस, और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है हमको, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है उसमें, इसलिए हमें नमक जो है वो थोड़ा कम मात्रा में रखना होगा, और एक अंडा। उसके बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन को। चिकन को हम मिक्स करने के बाद इस तरीके से कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल यहाँ पर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा तेल में मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैंने यहाँ पर डीप फ्राई नहीं किया है, थोड़े कम तेल में मैं इसको फ्राई करूँगी। आप देख सकते हो चिकन के पीसेस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, नॉर्मल पीसेस है, जो कि हम चिकन चाप या चिकन कसा में जो खाते हैं जो चिकन, बिल्कुल उसी टाइप का ये पीसेस मैंने यहाँ पर कट किए हैं। बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी पीसेस नहीं है। इसको मैं अब अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसे ना चिकन पकोड़े के हिसाब से भी खाया जा सकता है, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होता है। लेकिन आज मैं इसका चिली चिकन बनाऊंगी। उसी तेल में जिस ऑयल में मैंने यहाँ पर चिकन को फ्राई किया है, उसी ऑयल में मैं अदरक और लहसुन खुदरा पिसा हुआ मैं इसमें ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं, थोड़ा सा खुदरा पिसा हुआ मैं इसमें दोनों एक साथ ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद तुरंत ही मैं इसमें कैप्सिकम और ऑनियन जो मैंने कट करके रखे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ज़्यादा फ्राई बिल्कुल मत कीजिएगा, जस्ट थोड़ा सा ही हम उसको चला के इसमें एक एक करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहेंगे। जल्दी जल्दी ऐड करना है, क्योंकि सब्जी जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा गल ना जाए, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी ही सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करते रहना है। मैंने यहाँ पर करीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैं यहाँ पर टमाटो सॉस ऐड करूँगी करके। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, और जब हम इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे तब हमको फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो में रखना होगा। हाई फ्लेम या फिर मीडियम में मत दीजिएगा, लो में रखिएगा फ्लेम को। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून शेज़वान चटनी जो है वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी करके। अब मैं इसको थोड़ा सा मिला लूँगी, जस्ट हल्का सा मैं इसको मिला लूँगी। मिलाने के बाद इसमें जो फ्राई किए हुए चिकन है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन में फ्राई करते समय मैंने इसमें नमक दिया था, और सोया सॉस में भी नमक है, इसलिए मुझे यहाँ पर नमक का मात्रा जो है बहुत ही कम, बिल्कुल ही थोड़ा सा यहाँ पर हमको नमक ऐड करना है। करने के बाद अब मैं चिकन जो फ्राई किया हुआ है उसको मैं इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी सॉस के साथ, जिससे कि चिकन में अच्छे तरीके से जो सॉस है वो मिक्स हो जाए, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो जाए। होने के बाद हम इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, जस्ट बिल्कुल 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। ढक के हम इसको छोड़ देंगे, एकदम लो फ्लेम में छोड़ना, जिससे कि चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और जो वेजिटेबल्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, थोड़े से जस्ट खाने के समय, जिससे कि हम अच्छे, ये जो वेजिटेबल्स है थोड़ा सा हल्का सा कच्चा रहेगा, तो ये अच्छा लगता है चिली चिकन खाने में।
तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, सॉरी 4 से 5 मिनट के लिए इसे हमें ढकना होगा। ढकने के बाद 4 से 5 मिनट बाद इसका ढककर निकाल के मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, जिससे कि चिकन और सॉस की जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा जो ग्रेवी है इसमें ग्रेवीपन रहे और चिकन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए खाने में। इसलिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, करीबन छोटे कप का 1 कप पानी मैं इसमें ऐड करने के बाद इसे फिर से 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूँगी। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है शेज़वान चिली चिकन। ये आप किसी के साथ भी खा सकते हो, फ्राइड राइस के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो जल्दी से बनाइए और खाइए। आज की ये रेसिपी बस यही तक, नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।